हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव ने वाटर कैनन भेजे हैं, आपने हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा उसे करने नहीं देंगे, आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे, आपका घर भाई नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए आप पंजाब हरियाणा किसे भारत के दो राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं जो हमें जो नजर आ रहा है। हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलो की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक और थी आगू की उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए, आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे से टिकटें ली हुई थी उनको अरेस्ट कर लिया, आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे, क्यों पहुंचे? हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए, अजय लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है जो हमने देखा।